तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यानी विजय मिश्रा इस समय निकल चुका हूं चुनावी यात्रा को कवर करने। लोकसभा का चुनाव है और मैं हूं इस वक्त गांवों में। अभी आज है हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन है। आज हम लोग गए थे, हमारी टीम के लोग प्रयागराज, प्रयागराज में हमने माँ गंगा का स्नान किया संगम में, और फिर उसके बाद हम लोग बड़े हनुमान जी, जो लेटे वाले हनुमान जी हैं, उनके हमने दर्शन किए। वहाँ पे हमने भंडारा चल रहा था, काफ़ी भंडारे चल रहे थे, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था, हमने वहाँ पे प्रसाद लिया। और आज चूंकि हनुमान जयंती है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इस वक्त हैं हम विधानसभा क्षेत्र 70 त्योंथर में, मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आपको ये दिखाने के लिए कि रात के 8 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि गांव में अभी भी पूरी तरह से हलचल है। अभी थोड़ी बारिश हुई थी, बारिश आप देख सकते हैं दूर, थोड़ी बारिश हो भी रही है। हमारी गाड़ी खड़ी है और हम लोग कैप्चर कर रहे हैं गांवों में रात की खूबसूरती। और ऐसा लगता है मुझे कि आज फुल मून लाइट है, कितना अच्छा चांद लग रहा है, और लग रहा है कि आज चंद्रमा भी हमारे हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। फुल मून लाइट आज की नाइट मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट नाइट होगी, क्योंकि भगवान ने बारिश भी आज करवा दी है, मौसम भी ठंडा हो गया है। तो अगर आप लोग घरों के अंदर बैठे हैं तो घरों से बाहर निकलें और इस खूबसूरत मौसम का नज़ारा लें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। लोकसभा चुनाव की जो हमारी स्पेशल कवरेज है द खबरदार न्यूज की, वो देखना ना भूलें। काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाई जा रही है, और इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। सबका अपना विजन और मिशन होता है। हमारा मिशन ये है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ डेफिनेटली पहुँचने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आप उस व्यक्ति की पहचान बनो, आप उस व्यक्ति की आवाज़ बनो कैमरे के सामने, जो कैमरे के सामने बोल रहा है या जिससे हम या हमारी टीम मिल रही है। तो त्योंथर में हमने 3-4 अच्छी न्यूज़ कवर की है, जिसमें शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को कवर करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है। न्यूज़ देखने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि उस व्यक्ति की किस तरह से मदद की जा सकती है सरकारी तौर पर। तो आज हनुमान जयंती के दिन मैं ये भी कामना करूँगा इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर, जिनके हाथों में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि वो इस क्षेत्र में रह रहे हर गरीब, हर परेशान व्यक्ति की, चाहे वो गरीब हो या ना हो, उसकी मदद कर सकें, उसके जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। देखते रहें द खबरदार न्यूज़, और आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से बताएँ हम लोग और कौन से टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आपके अगर कोई सवाल हैं स्पेसिफिक रीजन के तो हमें बताएं। अभी हम इस समय रीवा लोकसभा क्षेत्र में हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब भी दें। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां निकलती हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा लगता है, लगता ही नहीं कि ये गांव है।